सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। प्यारे बच्चों, अभी हम दर्पण और लेंस की सभी स्थितियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कहां प्रतिबिंब रहेगा, कहां वस्तु रहेगा, कहां प्रतिबिंब बनेगा, सारे दर्प समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, सब आंख वांख सब पर अभी हम चर्चा करने वाले हैं। एक कंप्लीट वीडियो आपको मिलने वाला है और एकदम शॉर्टकट तरीका, क्योंकि इससे क्वेश्चन अभी बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। अब आगे पूछेगा कि नहीं इस पर तो कोई टिप्पणी नहीं कर सकते चला, लेकिन अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए हम उस पर चर्चा करने वाले हैं कि अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए उसका क्या मामला है। एक चला अवतल दर्पण का क्वेश्चन पूछेगा, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण की अगर हम बात करें, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण चला, अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, और अवतल इसी को हम चला नतोदार दर्पण भी कहते हैं, नतोदार दर्पण भी कहते हैं, नतोदार दर्पण भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है चला, ये रहा ऐसा मामला आपको खींच देना है, ये पोल है चला, ये आपका फोकस है और ये आपका सेंटर है और ये आपका अनंत है। छह गो पोजिशन है, एगो अनंत पर रहेगा वस्तु, गौर फरमाइएगा, एगो अनंत पर रहेगा वस्तु, एक अनंत और सी के बीच रहेगा, एक सी पर रहेगा और सी और एफ के बीच रहेगा, एक एफ पर रहेगा, एक एफ और पी के बीच रहेगा। छ कंडीशन, एक दो तीन चार पांच छ। अब चला अगर अनंत पर रहेगा वस्तु तो फोकस पर बनेगा प्रतिबिंब, अनंत और सी के बीच रहेगा, एक कदम आपको वस्तु को खिसका, ये एक कदम प्रतिबिंब खिसकेगा तो एफ और सी के बीच बनेगा, सी पर रहेगा चला तो सी ए पर बनेगा, सी और एफ के बीच रहेगा चला तो सी और अनंत के बीच बनेगा, एफ पर रहेगा चला तो अनंत पर बनेगा, और चला एफ और पी के बीच रहेगा तो दर्पण के पीछे बनेगा। अब ध्यान रखिएगा चला जी, यहां से यहां तक बनेगा छोटा, ये बनेगा चला बराबर, ये बनेगा चला बड़ा, यहां से यहां तक ये बन जाएगा वास्तविक, वास्तविक उल्टा, ई जो बनेगा चला ये बनेगा काल्पनिक, सीधा और बड़ा। ये तो चला इसको देख लिए, अवतल दर्पण, अभिसारी दर्पण या नतोदार दर्पण, इसका होता है चला एक नंबर, गौर फरमाइएगा, अनंत पर वस्तु रहेगा, ध्यान दीजिएगा चला, अनंत पर वस्तु रहेगा, फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा, एक नंबर, एक नंबर, दो नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, चार नंबर, पांच नंबर, पांच नंबर, छ नंबर, छ नंबर। अब ये तो हो गया चला अवतल दर्पण का, ऐसे ही इसको प्रैक्टिस कर लेना। अब अगर चला अगर बात करेगा उत्तल दर्पण का, अगर बात करेगा चला उत्तल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, उत्तल दर्पण को हम अपसारी दर्पण भी कहते हैं, इसको हम अपसारी दर्पण भी कहते हैं, अपसारी दर्पण भी कहते हैं, इसी को हम चला उन्नतोदार दर्पण भी कहते हैं, उन्नतोदार दर्पण भी कहते हैं, जिसमें चला काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा और छोटा बनेगा। ये हमेशा ध्यान रखना, काल्पनिक हमेशा सीधा बनता है, कल्पना कभी उल्टी होती है, कभी हम लोग कहते हैं कल्पना कर रहे हैं, काश हम जूता खा रहे होते, कल्पना हमेशा सीधी होती है, कल्पना हमेशा सीधी होती है, और इसका काल्पनिक सीधा बड़ा होता है। अवतल का स्पेलिंग बड़ा है इसलिए ये बड़ा होता है, उत्तल का स्पेलिंग छोटा है इसलिए काल्पनिक सीधा इसका छोटा होता है। अब अगर हम चलें चला इसको अगर हम एकदम शॉर्टकट में प्रैक्टिस करते हैं तो शॉर्टकट में देखो अवतल दर्पण को प्रैक्टिस कैसे करना है। अवतल दर्पण को अगर शॉर्टकट में प्रैक्टिस करना है, इसे खींचना है, इसे खींच के चला यहां पर कर देना है पोल, यहां कर देना है फोकस, यहां कर देना है सेंटर, यहां कर देना अनंत, और चला खट 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 कर एक नंबर, एक नंबर, दुई नंबर, दुई नंबर, तीन नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, चार नंबर, पांच नंबर, पांच नंबर, छ नंबर, छ नंबर, यहां से यहां तक छोटा, ई हो जाएगा बराबर, ई हो जाएगा बड़ा, और ये हो जाएगा चला वास्तविक, वास्तविकता हमेशा उल्टी होती है, वास्तविक उल्टा, और ये हो जाएगा चला काल्पनिक सीधा बड़ा, और उत्तल में जब ये जाओगे उत्तल दर्पण में ये हो जाएगा काल्पनिक सीधा। काल्पनिक को ही आभासी कहते हैं और बड़ा को ही चला आवर्धित कहते हैं, काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा, ये मामला हो जाएगा, गौर फरमाइएगा। काल्पनिक को ही आभासी कहते हैं और आवर्धित को ही बड़ा कहते हैं, आवर्धित या विवर्धित का मतलब बड़ा होता है। उसके बाद अगर चला हम लेंस में चलते हैं, इसको आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा जैसे हम किए हैं, लेंस में भी उत्तल लेंस में चलते हैं चला, उत्तल लेंस में चलते हैं, उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस को हम लोग, उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं, क्या लेंस कहते हैं चला, अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी लेंस में ये ऐसे होता है,
ये ऐसे कर दीजिए, ये ऐसे खींच दीजिए, एकरा में ओ होता है, इधर से कोई रेखा गुजरती है तो वो डेविएट नहीं होती है, और यहां चिल्ला हो जाएगा टू, यहां हो जाएगा एफ टू, ये हो जाएगा एफ टू, ये हो जाएगा चिल्ला टू एफ टू, आई हो जाएगा चिल्ला अनंत, और यहां से आइएगा तो ये हो जाएगा चिल्ला एफ वन, ये हो जाएगा टू एफ वन, ये हो जाएगा अनंत। एक क्वेश्चन चला यहां से पूछ रहा है, अब आगे पूछेगा कि नहीं नहीं बता सकते, लेकिन चला अनंत पर अगर वस्तु रहेगा तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर, अनंत और 2f1 के बीच रहेगा, f2 और 2f2 के बीच, एक एक कदम इसको खिसकाएंगे, एक एक कदम वो खिसकेगा, 2f1 पर रहेगा 2f2 पर बनेगा, और चला अगर 2f1 और f1 के बीच रहेगा 2f2 और अनंत के बीच बनेगा, और चला f1 पर रहेगा तो अनंत पर बनेगा, और अगर f1 और o के बीच रहेगा तो इसी ओर बन जाएगा। इसमें भी 6 कंडीशन होता है, ये होता है चला छोटा, ये होता है बराबर, ये होता है चला बड़ा, और यहां से यहां तक ही हो जाएगा वास्तविक उल्टा, ये हो जाएगा चला काल्पनिक सीधा और बड़ा, यही अगर चल जाएगा चला उत्तल अवतल लेंस में, अवतल अवतल लेंस में, अवतल लेंस में चला हो जाएगा काल्पनिक सीधा, काल्पनिक तो सीधा होवे करेगा और छोटा प्रतिबिंब। अब चला इसको भी अगर हमको प्रैक्टिस करना है तो देखिए कैसे करेंगे, उत्तल लेंस लिख देंगे, उत्तल लेंस लिख देंगे, उत्तल लेंस लिख देंगे, उत्तल लेंस लिखने के बाद ये कुछ ऐसा बना लेंगे और ये ऐसा बना लेंगे, ये ओरिजिन है, यहाँ पर चला ये एफ टू है, ये टू एफ टू है, और ये अनंत है, इधर भी आएंगे चला ये बना लेंगे एफ वन, और ये बना लेंगे टू एफ वन, और ये बना लेंगे अनंत, और कहेंगे एक नंबर दुई नंबर, दुई नंबर तीन नंबर चार नंबर पांच नंबर छ नंबर छ नंबर, यहां से यहां तक छोटा, ये हो गलो चला बराबर, ये हो गलो चला बड़ा, और यहां से ये हो गया वास्तविक, वास्तविक उल्टा, वास्तविक क्या हो जाएगा उल्टा, और ये बन जाएगा चला काल्पनिक सीधा बड़ा, काल्पनिक सीधा और बड़ा, और ये चीज ध्यान रखिएगा चला अवतल लेंस कहे, अवतल लेंस कहे, आ उत्तल दर्पण कहे, एक ये बात होता है, इसमें बन जाता है काल्पनिक सीधा और छोटा। अब देखो एक बार हम फिर से रिवाइज कर देते हैं, चला कुछ नहीं करना है, इधर 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 देख लो कहीं पर मामला गड़बड़ाया नहीं है, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस में इधर काल्पनिक सीधा बड़ा हो जाएगा, ये काल्पनिक सीधा और छोटा हो जाएगा, वेरी गुड, ये छोटा ये बराबर ये बड़ा, और चला ये हमेशा ध्यान रखिएगा इधर से इधर जाने पर जो ये इसकी फोकस दूरी है, इसकी उत्तल लेंस की फोकस दूरी इस साइड होती है तो पॉजिटिव होगी, उत्तल दर्पणों का पॉजिटिव होता है जो आज के सेट में पूछा है, उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण का पॉजिटिव होता है, अवतल लेंस और अवतल दर्पण का फोकस निगेटिव होता है, इचला पूछ दिया है आज के सेट में, आप एक बार इसको जरूर से जरूर देख लें, एक बार इसको जरूर जैसे हम किए हैं, चला एक नंबर अनंत पर होगा तो फोकस पर, अनंत पर होगा तो फोकस पर, अनंत पर होगा तो फोकस पर, सेंटर पर होगा तो सेंटर पर, फोकस पर होगा तो अनंत पर, ये ध्यान रखना, अनंत पर वस्तु रहेगा फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा, फोकस पर रहेगा तो अनंत पर बनेगा, सेंटर पर रहेगा सेंटर पर बनेगा, अनंत पर वस्तु तो फोकस पर प्रतिबिंब, फोकस पर वस्तु तो अनंत पर प्रतिबिंब, सेंटर पर रहेगा सेंटर पर बनेगा, अनंत पर रहेगा तो फोकस पर बनेगा छोटा बनेगा, अब फोकस पर रहेगा तो अनंत पर बनेगा बड़ा बनेगा, अब सेंटर पर रहेगा सेंटर पर बनेगा बराबर बनेगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, इसी से आपका काम हो जाना है, और एक बार चला इसे खाली प्रैक्टिस कर लेना है, एक नंबर अनंत पर तो फोकस पर, एक इधर खिसकिएगा आप, एक इधर खिसकाइएगा वस्तु को, इसको चला एक बार बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेना, एक बार इसको एक बार चला इसको प्रैक्टिस कर लेना, कहां पर वस्तु होगा तो कहां पर प्रतिबिंब बनेगा, कोशिश कीजिएगा सर एक बार इसको प्रैक्टिस करने का, उम्मीद करेंगे कि आपका काम हो जाएगा, ध्यान रखना अनंत पर रहेगा तो फोकस पर बनेगा, फोकस पर रहेगा तो अनंत पर बनेगा, अनंत बड़ा है इसलिए वहां पर बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, और फोकस छोटा है इसलिए छोटा बनेगा, और सेंटर पर रहेगा तो बराबर बनेगा, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। आभासी को कहते हैं काल्पनिक, आभासी को कहते हैं काल्पनिक, बड़ा को कहते हैं विवर्धित या आवर्धित, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।